उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में चिकन चपली कबाब बर्गर की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं, मगर उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सके। तो चलिए आज की जो हमारी रेसिपी है वो झटपट रेसिपी है, जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मैंने फ्रोजन चिकन चपली कबाब जो है वो लिए हैं, रेडीमेड है। मैं वैसे अपने आपको इससे पहले अपनी वीडियो में चपली कबाब बनाना सिखा चुकी हूँ, अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस पे जाकर चपली कबाब की रेसिपी सीख सकते हैं, मगर मैं आज बने बनाए फ्रोजन फूड किट से चिकन चपली कबाब का बर्गर बनाऊंगी। तो इसके साथ हमने केचप लिया है, आप किसी भी अच्छी कंपनी की केचप इस्तेमाल कर सकते हैं। दो मैंने बन लिए हैं, मायो लिया मैंने मायोनिस, मैंने ये बारबेक्यू वाला फ्लेवर लिया है, आप प्लेन फ्लेवर भी ले सकते हैं। इसके साथ मैंने खीरा यानी कि कुकम्बर लेकर इसको इस तरह से चॉप कर लिया स्लाइसेस में, और बंद गोभी भाई चॉप की हुई, आप चाहे तो इसके पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अपनी जो रेसिपी है वो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, पैक में से ये चपली कबाब निकालूंगी, ये आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें इस तरह ये आपके पास अवेलेबल होते हैं फ्रोजन फूड की सूरत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें। अब हमने इनको फ्राई करना है, आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं और नॉर्मल क्वांटिटी का ऑयल डाल के भी फ्राई कर सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमने एक सॉस पैन ले लिया है, अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप चाहें तो पैन या कढ़ाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं डीप फ्राई के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इस तरह एक एक करके जो है वो इसके अंदर डाल दूंगी, और हम इसको तकरीबन 5-7 मिनट के लेगा दोनों साइडों से ये पकने में। अब मैं इसकी साइड चेंज करूंगी ताकि ये इक्वली दोनों साइडों से जो है वो पक जाए। ये देखें व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चपली कबाब वो तैयार कर लूंगी। अब हमारा ये वाला कबाब भी रेडी हो चुका है। बिस्मिल्लाह, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की जानिब। जैसे ये हल्का सा गर्म होगा, हम थोड़ा सा, ये देखें मैंने बिल्कुल हल्का सा घी लगाया, अब ये मैंने बन ले लिए इस तरह से। अच्छा, ये घी लगाना ऑप्शनल है, इट्स अप टू यू, अगर आपको पसंद है तो आप लगा सकते हैं, तो वह इसको जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब इनकी साइड चेंज कर लें। अब हमारा बन हो गए हैं तैयार, मैं कर दूंगी चूल्हे को बंद, और अब हम अपने बनाएंगे बर्गर्स। मैंने अब बर्गर ले लिया है, जो नीचे वाला पोर्शन है ये देखें, इस तरह से मैंने ये ले लिया है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी मायो, आप दही भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने ये बारबेक्यू वाली ली थी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब मैं इसको इस पर अच्छे से लगा दूंगी, जो पैटर्न मैं इधर फॉलो कर रही हूं वही मैं बाकी बर्गर बनाने के लिए इस्तेमाल करूंगी। मैंने मायो लगा लिए, खीरे लेंगे और इसको सेट करेंगे।
बंद गोभी। अच्छा, इसको आप इसके जो लीफ है सैलड लीफ वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको इससे भी ज्यादा फाइन कर सकते हैं, बट मैं इसको ऐसे ही रखूंगी। अब हम इस पर रखेंगे अपने कबाब ऐसे और ऐसे। अच्छे से सेट हो गए। अब हम रखेंगे इस पर खीरे दोबारा से। अब हमने इनका टॉप लेना है, इन पर हमने लगानी है केचप। और रख देंगे ऐसे। अच्छा, केचप की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत और यमी है खाने में।